Good morning. So this is Easter weekend and I'm back after a long time. और इस ईस्टर हम लोग चल रहे हैं स्कॉटलैंड का नॉर्थ पार्ट एंड वेस्ट पार्ट घूमने. एंड दिस टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम टेकिंग माई कार. मैं विकास, विकास है ही बोलो, मैं विकास, हिमांशु एंड फैमिली वी आर गोइंग टुगेदर. दो टू नाइट्स विल बी स्टेइंग हियर एंड देयर. A lot of amazing things planned. So let's go. Javik, excited? Yes. So we'll be out for 3 days, 2 nights, and Dolly is here as well. So अभी हम लोग निकलते हैं. It will be a drive of 2 hours. Hello, here is Mrs. Dolly. तो अभी हम लोग निकलेंगे. इट विल टेक समथिंग अराउंड 2 hours फॉर गुड मॉर्निंग. जस्ट हिमांशु घर गए लॉक करने. सो 2 hours के बाद विल बी रीचिंग लस. लस में वी हैव टेकन अ फेरी राइड, फेरी या क्रूज जो भी बोल सकते हो. इट्स फॉर द 90 मिनट्स विल बी रोमिंग अराउंड लॉक लोमन. उसके बाद फ्यू मोर थिंग्स प्लान. उसके बाद आज थोड़ा ज़्यादा हेक्टिक नहीं है. एक घोड़ा ऐसा मुंह ऊपर करके क्यों रखा है? कुछ 2 hours जैसा ड्राइव करने के बाद लॉक लोमन का पार्क पे पहुंच गए. पार्क द व्हीकल समवेयर इन देयर. अभी लंच करेंगे. लंच करके फेरी पे चलेंगे. धूप तो बढ़िया लग रहा है पर बहुत बड़ा सा बादल आ रहा है ऊपर से. सो इट माइट नॉट स्टे लॉन्गर. देखते हैं. अभी लंच करके निकलेंगे. सॉरी, कितना कुछ ऑर्डर कर दिए हैं. एंड वी हैड सूप्स अर्लियर. जैविक हैप्पी हैप्पी विद द फूड. यस. हिमांशु खाना कैसा था? मस्त एकदम. अरे बिना चश्मे के दिखेगा नहीं ये. सो हैड अ गुड लंच. अभी हाँ ये था रेस्टोरेंट. इधर का काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट है. लास्ट टाइम भी मैं विकास आए थे यहीं पे ही खाए थे. इट वॉज ग्रेट. द टाइम इज 12:45. हम लोग का 1:30 को फेरी है. तो इसके बाद और एक लस से वो फेरी रहेगा. देन विल कम बैक हियर. उसको कार उठाएंगे. कार उठा के विल गो टू अनदर लॉक. दैट्स कॉल्ड लॉक लुबनेक व्हिच इज नॉट वेरी फार फ्रॉम हियर. जस्ट लाइक 30 मिनट्स ड्राइव. तो उधर जाने के बाद देन विल चेक इन टू होटल इन द इवनिंग. चलो दिखाते हैं. और ख़त्म करके हम लोग पहुंच गए. आई बॉट दिस फॉर माय ब्रदर कनाडा. नेक्स्ट महीने हम जा रहा हूँ. तो आई गिव इट टू हिम. और जैविक और हिमांशु आइसक्रीम दवा रहे हैं. विच फ्लेवर इज दिस जैविक? ओरियो.
और यो पापा बेटे खा रहे हैं और बहुत सुंदर रेनबो देख के अभी भी थोड़ा बहुत दिख रहा है, आई एम नॉट श्योर, बस बहुत हल्का दिख रहा है दैट वन, सो टू रेनबोज एट मतलब एट द सेम टाइम। अभी जाएंगे होटल, होटल नहीं नहीं अभी तो हम लोग लॉक लुबनेक जाएंगे, लॉक लुबनेक। बहुत चिल्लाते रहते हैं ये लोग, बहुत चिल्लाते रहते हैं। कैसे कैसे चिल्लाते हैं जैविक? Lus is like Scotland's one of the most beautiful village. बहुत ही ज्यादा सुंदर है। तो पार्किंग पे पहुंच गए, अब गाड़ी निकाल के निकल जाना है हमको। क्या सुंदर सुंदर घर है, beautiful. हम पता नहीं तुम लोग सब। Here we are in Lop Lubnek. और द फनीएस्ट पार्ट की क्या हुआ था बताओ? क्या तुम लगाए नहीं ना तो खत्म बात। मैं देख के, मैं और हिमांशु देख के ही बोल दिए कि वी बीन हियर बिफोर, ठीक है, पर विकास राजी नहीं हो रहा था, बोला कि शर्त लगाओगे, शर्त लगाओगे, देन पुराना फोटो जाके देखे कि हाँ आए हुए थे। ऐसे ही मतलब कोई प्लान नहीं था, इधर आके बढ़िया से लंच किए थे हम लोग, घर से लेके आए थे बहुत सारा खाना, बहुत मजा आया था, एंड इट्स ब्यूटिफुल, वर्थ कमिंग हियर अगेन। थोड़ा थोड़ा बर्फ पड़ा हुआ है एंड दैट्स माई ब्यूटिफुल कार देयर। डॉली एंड जैविक अंदर बैठे हुए हैं, अभी निकलेंगे थोड़ी देर इधर चिल मार के, बारिश भी हो रहा है, होटल निकलेंगे, होटल में बहुत तगड़ा व्यू है, उधर इंजॉय करेंगे। लॉक ही लॉक, 60 माइल्स पर आर के रास्ते में 20 में चला रहा हूँ क्योंकि व्यू एंजॉय करते करते जा रहे हैं। बहुत सुंदर सा वाटरफॉल, पता नहीं पार्किंग, अच्छा पार्किंग उधर ही है क्या, पूछ लेता हूँ। सो दैट्स वेयर माय कार इज पार्क्ड नाउ, बिहाइंड मी देयर इज अ ब्यूटीफुल वाटरफॉल एंड दैट्स आवर होटल देयर। So, very excited to see the room. Doesn't look like the room will be that great, even though we have paid good amount, like 180 pounds per room. That's around 18,000 Indian rupees per night. So it's okay. So hopefully, it's sunny now. Hopefully it's worth it. Let's see. पहले रूम ये मस्त पूरा वो प्रॉपर ब्रिटिश वाला रूम है। लुक एट द व्यू, ये बॉय आजा आजा ब्रो, अपना ही समझा ब्रो, मैं ट्विन बेड बोलना तुम भूल गए क्या? अरे वो इधर बस बोल देते हैं। हाँ ठीक है सर, आ बढ़िया है। हाँ तुम नीचे सो जा रहे हो मस्त। कैलाश पर्वत अभी छुप गया है थोड़ा। सो फाइनली बैक टू बेड, काफ़ी ईजी था दिन, नॉट वेरी हेक्टिक, वी डिडंट प्लान लॉट ऑफ स्टफ टुगेदर, तो ईजी रखे थे, रिलैक्स कर रहे थे। होटल पहुँच के थोड़ा चिल मारे, देन वेंट फॉर अ गुड डिनर, अभी जस्ट डिनर कर ख़त्म करके आए, ऐसे ही बैठे थे, गप्पे मार रहे थे। नाउ बढ़िया से सो के सुबह उठ के ग्लेन को निकलना है, कल थोड़ा बहुत ड्राइव ज़्यादा है, अराउंड 300 किलोमीटर्स जैसे
रहेगा 250-300 किलोमीटर जैसा, बट यार कर लेंगे। ओ साइनिंग ऑफ फॉर टुनाइट, गुड नाइट।